नमस्कार। हम लोग एक ऐसे विचार पुरुष की स्मृति में आज यहाँ पर बातचीत करने बैठे हैं जिनके लिए विचार शब्द लेखन उनके कर्म का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर ओम नागपाल जी की आज पुण्यतिथि है और डॉक्टर ओम नागपाल शोध संस्थान में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जहाँ पर लगातार बहुत सारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जिन किताबों की सोहबतों में और जिन लेखों के बीच उनका जीवन गुजरा और गीता का श्लोक पढ़ते हुए उन्होंने इस धरती को विदा कहा था, उस शलाका पुरुष, उस विचार पुरुष के लिए सच्ची श्रद्धांजलि उनको याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई सामयिक विषय लेकर हम सब उस पर बात करें। हम डॉक्टर ओम नागपाल को प्रणाम करते हुए, उनकी स्मृति को नमन करते हुए आज की ये बातचीत शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर साथ में उपस्थित हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं जो वर्तमान में इस शोध संस्थान का कार्यभार देख रही हैं। वीना जी हैं, वीना नागपाल जी, जिनके लेख हम सब लोग लगातार पढ़ते रहे हैं, और डॉक्टर ओम नागपाल जी की सहचर रही हैं और उनके विचारों से हम सब लोग लगातार प्रेरित होते रहे हैं। राधेश्याम जी हैं हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में, माला हैं, शुभा ओझा जी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे बीच आ चुके हैं और कुछ युवा साथी हैं। मसला यह है कि दिल्ली में एक रामजस कॉलेज है, 1917 में इसकी स्थापना हुई, 100 साल पुराना कॉलेज है, अभी शताब्दी वर्ष वो मना रहे हैं। अचानक एक साल पहले कोई विवाद हुआ था, उसका भूत वहां पर फिर से खड़ा हो गया। उन्होंने एक परिचर्चा रखी थी, उसमें उमर खालिद को बुलाया था। उमर खालिद और कन्हैया कुमार ये ऐसे नाम है जो आज से लगभग एक साल पहले तक पूरे हिंदुस्तान में किसी को परिचय नहीं था उन नामों से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है दिल्ली का, उसके कैंपस में ही ये नाम परिचित हुआ करते थे, वो भी उनके दोस्तों के बीच। अचानक एक ऐसा विवाद हुआ कि पूरे देश में कन्हैया कुमार और उमर खालिद के नाम चर्चा में आ गए। एक विवाद हुआ जिसमें एक वीडियो क्लिप सामने आई जिसमें कुछ युवा देश के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दिए। नारे किसने लगाए, क्यों लगाए, वीडियो क्लिप सच थे कि नहीं, सब चीजों की जांच हो रही है। कुछ वीडियो क्लिप झूठे भी निकले, लेकिन देशद्रोह के आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई और उमर खालिद की रिहाई हुई है इस शर्त पर कि वो और कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, वो कोई इस तरह की गतिविधि नहीं करेंगे जो राष्ट्र विरोधी हो। और उनको जब रामजस कॉलेज में बुलाया गया तो उसका विरोध हुआ और वो जो आयोजन है पूरा उसको रद्द करवाया गया। विरोध किया एबीवीपी ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो छात्र संगठन है। और इसके बाद आईसा और एबीवीपी, जो वामपंथी और दक्षिणपंथी संगठन है जो छात्र जगत में लगातार सक्रिय रहते हैं, इनकी विचारधाराओं के टकराव की परिणति यह हुई कि अचानक एक लड़की ने एक पोस्टर जारी किया। अचानक कन्हैया कुमार और उमर खालिद के बाद एक और नाम जो लगातार हवाओं में तैर रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो है गुरमेहर कौर का। तो 20 साल की इस लड़की ने एक पोस्टर जारी करके कहा कि वो किसी तरह की धमकी से नहीं डरती और वो एबीवीपी से नहीं डरती। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो एबीवीपी से नहीं डरती तो फिर बात निकली कि 2 साल पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता जो शहीद हो गए थे 1999 में, कैप्टन मनदीप सिंह, तो उन्होंने उस वक्त वीडियो जारी करके कहा था कि उनके पिता को असल में पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा है। और जब चूंकि उन्होंने एबीवीपी पे आरोप लगाए थे तो निश्चित ही उन्होंने जो पहले बातें कही थी उनका फिर सोशल मीडिया की वजह से इतना सारा विस्तार होना और उस पर चर्चा होना स्वाभाविक था। और वो चर्चा अब इस हद तक पहुंच गई है कि देश के नेशनल मीडिया में लगातार इस विषय पर डिबेट हो रही है। सवाल यह है कि क्या इस देश में मुद्दों की कमी हो गई है जो किसी कॉलेज में होने वाले किसी आयोजन का विवाद इतना बड़ा हो जाता है। हाल ही में एक और विवाद इससे जुड़ गया है कि शाजिया इल्मी जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उनको एक जामिया मिलिया कॉलेज में बुलाया गया था और 3 तलाक के मुद्दे पर वहां बहस होनी थी। एक मुद्दा यह भी है कि फिर उनको भी क्यों अंतिम समय में उनको बुलाना खारिज किया गया। और अगर उमर खालिद का बुलाना गलत था और उसके विरोध में इतनी आवाजें उठी हैं तो शाजिया इल्मी को नहीं बुलाए जाने को लेकर आवाजें क्यों नहीं उठी और इन आवाजों की टकराहट में कौन सही है। और जैसे कल दिल्ली में वामपंथी छात्र संगठनों ने मिलकर एक मार्च निकाला था, बहुत सारे छात्र उसमें थे, वैसे ही आज एबीवीपी ने भी एक मार्च निकाला है। इन सारे मोर्चों के बीच में जनता क्या सोचती है, युवा क्या सोचते हैं, बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं, यही बात आज हम यहाँ पर डॉक्टर ओम नागपाल शोध संस्थान में डॉक्टर नागपाल साहब की स्मृति में करें। ये चूंकि युवाओं के बीच से विवाद उठा है, कैंपस जो विचार प्रवाह के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते हैं, कैंपस जहां पर विचारों का महत्व ज्यादा है बजाय के राजनीति का और राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव का, उन कैंपसों से अब जब इस तरह की आवाज आती है भारत तेरे टुकड़े होंगे या वहां से देशद्रोह की बातें उठती हैं या उन कैंपस में आयोजनों को लेकर अब बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी उसमें शामिल हो जाती है, आप युवा साथी क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं डॉक्टर ओम नागपाल जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ।
जहां तक बात जेएनयू की है या रामजस कॉलेज की है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन कॉलेजेस का इस देश के नेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल है? इनका रोल सिर्फ यहाँ पे उत्पाद मचाना और इस तरह की इशू क्रिएट करना है? हम आईआईटी आईएम की बात करें तो इन कॉलेजेस से बहुत ब्रिलियंट लोग निकलते हैं जो फॉरेन में जाके हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, नए नए इनोवेशंस करते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से डेवलप होते हैं, लेकिन इन कॉलेज से फिलोसोफर्स के नाम पे 35 साल 40 साल के व्यक्ति जो पीएचडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आपको दिखते ही नहीं है, वो लोग वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नेशनल डेवलपमेंट चाहे वो आईसा को हो या एबीयूपी हो या एनएसयूआई हो, इनका नेशनल डेवलपमेंट में रोल ऑलमोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम आईसा की बात करें, विच इज़ बिलोंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी, तो डेमोक्रेसी में कम्युनिस्ट का रोल होता ही नहीं है। वर्ल्ड में सबसे पहले अगर हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कम्युनिस्ट को दी तो इंडिया ने दी, ठीक है। कम्युनिस्ट जो फिलोसॉफी है वो इंडिया में बिल्कुल मैच नहीं करती, वो अपने आप को रिवाइवल करना चाहते हैं, इस तरह के मुद्दे वो लगातार उठा के लाते हैं। तीसरी बात कि पिछले 2 साल में ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इतना बवाल क्यों मचा, राइट टू लाइफ, इसके ऊपर कभी बवाल क्यों नहीं मचाते हैं, ठीक है, एक मुद्दा ये हो गया। और उसके वाली बात अगर हम बात करें कन्हैया कुमार, रोहित वेमुला, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इनको मोहरा बना के अपना जो स्वार्थ है उसको सिद्ध करती है, नथिंग एल्स। मतलब सवाल विचारधाराओं के टकराव का। और दूसरा बड़ा सवाल मेरा मानना यह है कि कोई भी अभिव्यक्ति, जो बात जनरली हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कि बोलने की आज़ादी, ये वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, मुझे ये नहीं लगता कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया होगा तो ये सोचा गया होगा कि इस वर्ड के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इतना सामाजिक द्वेष उत्पन्न होगा, लोगों में इतनी नफरत पैदा होगी। तो ये सोचना और विचार करना भी जरूरी है कि किस हद तक ये सही है जो अभी हो रहा है। तो मैं समझ गया आपकी बात कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की इतनी बातें अभी क्यों होने लगी अचानक। बोलने की अभिव्यक्ति है ये तो ठीक है, बोलने के आदमी जो क्या बोल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कुछ तो भी बातें बोल रहा है। अभिव्यक्ति का ये मतलब कि बकवास करने की अभिव्यक्ति और सही बोलने की अभिव्यक्ति, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब ये देखा जा रहा है, पर ये कौन तय करेगा कि ये बात बकवास है कि अभिव्यक्ति है? आप तय करेंगे? नहीं, जो भी नहीं, आप कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि बकवास की स्वतंत्रता, लेकिन वो जो कह रहा है वो बकवास है कि सही है, ये तय कौन करेगा? सवाल तो ये भी है ना, पहले उन्हें सोचना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं वो नहीं, सबसे पहले बताइए कौन तय करेगा बकवास क्या है? आप जिसको बकवास मानते हैं वो बकवास है, दिक्कत तो वहीं हो रही है ना। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा, एक मिनट माइक्रोफोन दे दीजिए, मैं प्रकाश जी के पास थोड़ा सा आना चाहता हूँ क्योंकि ये गंभीर मुद्दा उठा है। प्रकाश जी, ये क्या अचानक जेएनयू का ही अस्तित्व खतरे में आ गया, ये क्यों है? यहाँ से कोई निकलता ही नहीं है, आईआईएम और आईआईटी से जो निकलते हैं वो बड़े उपयोगी लोग हैं, और ये सब जेएनयू वाले अचानक ही जाहिल गवार और 45-50 में पीएचडी करने वाले हो गए, और रामजस 100 साल पुराना कॉलेज बेकार ही हो गया क्योंकि वहां विवाद हो गया। धन्यवाद आपको जयदीप जी। मुझे लगता है कि मामला जितना सतही नजर आ रहा है उतना सतही है नहीं, और जिस तरह से गुरमेहर की आलोचना हो रही है वो भी बहुत सतही तरीका है। गुरमेहर की पूरी बात बहुत कम लोगों ने सुनी है या देखी है, पूरा वीडियो भी बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन संदर्भ की बात होती है। जब आप कोई भी बात कहते हैं तो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कब कही। मैं अगर किसी से कहूं कि क्या आपको गाना गाना आता है तो बिल्कुल ऑफेंसिव बात नहीं है, लेकिन अगर आपका गाना सुनने के बाद मैं कहूं कि क्या आपको गाना गाना आता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो कोई भी चीज कब कही गई है यह महत्वपूर्ण है। अभी इन दिनों भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, और ऐसे में एक पुराना क्लिप, वीडियो क्लिप बाहर आना कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा, अगर उसके आगे की क्लिप देखें तो अलग बातें हैं, लेकिन लोगों ने यह एक क्लिप देखी और नाराज हो गए। उसने लड़की ने यह भी कहा है कि मैं चाहती हूं कि देश मिले, सब कुछ अमन की बात वहां है, एक बात तो यह। दूसरी बात यह कि जितने भी जेएनयू, रामजस कॉलेज, डीयू जैसे विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, उनका महत्व हमारे सामाजिक ताने बाने में बहुत ज्यादा है। दरअसल हमारे जितने आईआईटी और आईएम हैं, आप देखेंगे कि ये सफेद हाथी हैं, और इनके खिलाफ 1000 बातें मैं कह सकता हूं कि इंदौर में ही आईआईएम और आईआईटी है, इंदौर को क्या फायदा? क्या यहां के विद्यार्थियों को मौका मिल रहा है, वहां मध्य प्रदेश के लोगों को मौका मिल रहा है? तो आलोचना करने के लिए हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम संदर्भ देख रहे हैं किस संदर्भ में वो बात कही गई। इस पूरे प्रकरण में देखिए जयदीप जी, अभी इस साल मार्च में नीदरलैंड में चुनाव है, फ्रांस में सितंबर में चुनाव है, जर्मनी में अक्टूबर में चुनाव है, 3 प्रमुख देशों में आम चुनाव है, और
एक तरफ रूस है जिसने पूरा सोशल मीडिया पे अभियान चला के ट्रंप के पक्ष में अभियान चलाया, क्योंकि ट्रंप अतिवादी है और उसे लगता है कि ये मौका बहुत अच्छा है कि हम अमेरिका को, अमेरिका के ताने बाने को चोट पहुंचाएं। तो ये वामपंथियों की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, है ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है हो सकता है। अभी मैंने ट्विटर पर मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं गौरव प्रधान को, तो उन्होंने 37 ट्वीट किए हैं लगातार एक के बाद एक इसी गुरमेहर के मामले में। उन्होंने लिखा है कि कब मनीष तिवारी विदेश गए, कब वो सऊदी अरब गए, उन्होंने और कब केजरीवाल विदेश गए, और उन्होंने सबको लिंक करके लिखा है कि जब जब मनीष तिवारी बाहर गए हैं या केजरीवाल बाहर गए हैं इस तरह की वारदातें होती हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अब गुरमेहर के बाद जुलाई तक ऐसा कोई विवाद नहीं होगा और जुलाई से 15 अगस्त के बीच में फिर एक नया विवाद होगा, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ऐसा मतलब बहुत गंभीर बात है कि दादरी वेमुला और गुरमेहर ढूंढे जा रहे हैं, क्रिएट किए, साजिशन किए जा रहे हैं। एक दो मिनट और लेना चाहूंगा। देखिए गुरमेहर, गुर मतलब गुरु, मेहर मतलब कृपा, गुरु की कृपा एक अच्छा नाम है लड़की का जिसके पिता की मौत जब वो 2 साल की थी शहीद हो गए थे पिता। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पिता को युद्ध ने शहीद किया, उसने कहा पाकिस्तान किल्ड माय फादर। और जब वो विड्रॉ हुई अभियान से तो उसने कहा कि मैं इस अभियान से अलग हो रही हूं। मतलब उसके लिए एक अभियान था। एक साल पहले गुरमेहर वामपंथी कविता कृष्णन वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ अटेंड की थी उसने। तो एक मुझे तो ये बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। और एक और चीज पर बहुत गौर कीजिए, सभी लोग गौर कीजिए कि वामपंथी और इस्लामिक देशों के आतंकवादियों का ये खुला निर्देश है कि आप जिस देश में हैं उस देश के कानून की सीमा के भीतर आप जितना उत्पाद मचा सकते हैं मचाते रहिए। अमेरिका में अगर आप हैं तो वहां हथियार खुलेआम बिकते हैं, तो आप खुलेआम जितने हथियार आप खरीद सकते हैं खरीद के अपने घरों में रख लीजिए। ये उनका स्पष्ट निर्देश है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वेल विशर्स को। तो इसके अर्थ बहुत गूढ़ है। जैसे हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है तो उन्हें लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है, सोशल मीडिया फ्री है, इसका उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। माला, आपको लगता है कि गुरमेहर ने अगर किसी छात्र संगठन का विरोध भर किया था कि मैं इनसे डरती नहीं हूं और इनको दादागिरी नहीं करनी चाहिए, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, और उनके पिता का जो 2 साल पहले का वीडियो है वहां तक, गुरमेहर की गलती क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस राष्ट्रवादी संगठन का नाम लिया गया वो नाम लिया जाना गलत था। स्वाभाविक सी बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठन से डरने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे एबीवीपी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, विषय इसलिए सामने आना चाहिए था क्योंकि इतने बड़े ऐसे छात्र संगठन का नाम लिया जो केवल हिंदुस्तानी नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अभी हमने यहां जितनी भी बातचीत की तो ध्यान में आया कि बाकी छात्र संगठनों के छात्रों का नाम यहां पर विशेष रूप से लिया गया और विद्यार्थी परिषद का कोई भी एक व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरा की पूरा संगठन है जो देश के लिए समाज के लिए काम करता है। किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आया कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया। जहां तक किसी भी संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बात होती है तो कार्यकर्ता एक अलग विषय है और किसी संगठन से जुड़े रहना एक अलग विषय है। हो सकता है कि गुरमेहर कौर ने जो ट्वीट किया है या जो फोटो फेसबुक पर डाला है उसके बाद जिसने उसके नीचे कोई लाइन लिखी है वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। जहां तक ये विषय सामने आने का सवाल है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि भारत और पाकिस्तान का जो विषय है वो बहुत संवेदनशील है और अगर विषय सामने आया है तो जितने भी देशभक्त लोग हैं जो भारत को अपनी मां मानते हैं, वंदे मातरम जो है सुबह शाम जब भी मिलते हैं तो आपस में बातचीत में भी बोलते हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसा कोई भी विषय सामने आता है तो कहीं ना कहीं सबके मन में आक्रोश तो होगा ही। पर ऐसा नहीं लगता कि वो संदर्भ बिल्कुल अलग था 2 साल पहले, उन्होंने किसी अलग संदर्भ में, और फिर वो अगर देखना ही है तो जो प्रकाश जी कह रहे थे कि उसकी पूरी फिर पूरा टेक्स्ट देखें, पूरा संदर्भ देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से पाकिस्तान और मुसलमानों से घृणा करते हुए इस देश में बड़ी हुई हूं, पर बड़े होकर मुझे समझ में आया कि विभीषिका दरअसल युद्ध है। ये बात सही कि वो पाकिस्तान ने युद्ध किया या थोपा, लेकिन उसका एक बड़े दार्शनिक मायने थे, एक आध्यात्मिक मायने थे। जिस तरीके से अगर राजीव गांधी के हत्यारे को उनका परिवार माफ कर देता है जबकि उनके पिता की हत्या की उन्होंने, ये वो संदर्भ है जहां पर आदमी बड़े होके जो क्षमा वीरस्य भूषणम की हिंदुस्तानी संस्कृति है उसको अपनाने लगता है एक परिपक्व उम्र में जाकर। आपको नहीं लगता कि इस लड़की की इस बात को उस परिप्रेक्ष्य में देखें? और आप चूंकि खुद छात्रा हैं, छात्र संगठनों से जुड़ी रही हैं करीब से, किसी छात्रा के ये कहने भर से कि मैं इस छात्र संगठन से नहीं डरती हूं, क्या उनको बलात्कार की धमकियां मिलने लग जाएंगी?
पहली बात कि हम लोग जिस संस्कृति को मानते हैं वहां इस प्रकार की धमकी मिलना, तो उसका हम सभी लोग जहां जितने लोग बैठे वो विरोध करते हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जहां तक है कि पूरा विषय समझने के लिए, तो मैं कल के उदाहरण दूंगी कि एक अखबार से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि ये विषय ऐसा है ऐसा है, और वो जो बात मैंने कही कि गुरमेहर कौर के साथ जो घटना हुई है उसका हम विरोध करते हैं, कोई भी महिला जिसके ऊपर इस प्रकार की कोई आंच आती है तो उसका हम स्पष्ट विरोध करते हैं, वो नहीं छाप करके उन्होंने उसको दूसरे रूप में छापा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मीडिया किस चीज को किस रूप में दिखाता है और लोग कितने परिपक्व हैं ये मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इस चीज का समर्थन करती हूं कि देश के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठती है तो हम उसका दमन करने के लिए हम सभी को साथ में खड़े होना ही चाहिए।